in the middle of the relaxed. और जनता ये चीज़ करते हो ऑडिशन दे रहे हो या कैमरे के सामने आप कोई डायलॉग बोल रहे हो कि वो एक कैरेक्टर रेट कर रहे हो, आप उस कैरेक्टर को कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने ऑडिशन में बताया आपका कोई अंकल है सामने, चाचा है, आप उनसे बात कर रहे हो तो आप कभी ज़मीन पे देख रहे हो, कभी साइड पे देख रहे हो, कभी फ्रंट पे देख रहे हो। तो इसी का होता है कि आप कैमरा जो होता है छोटी छोटी चीज़ें पकड़ता है, आपका जो प्योर शॉट लगता है तो वो सारी हरकतें पकड़ लेता है। आप थोड़ी सी नज़र इधर घुमाओगे तो वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, आप जिस कैरेक्टर से बात कर रहे हो या तो आप उसे देखते रहो या फिर उस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज हो कि एक लहजा होता है जिस तरह से आप अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने पापा से या किसी रिश्तेदार से आप बात करते हो तो किस तरह से करते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो हमसे और देख रहे हो वहाँ पर, वो चीज़ें थोड़ा सा ऑकवर्ड है। अच्छा, वेल, तो इस पर ध्यान देना कि जब भी आप कोई कैरेक्टर हो तो आई टू आई कॉन्टैक्ट हो और फील थोड़ा सा अंदर से आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, किस बेसिस पर बात कर रहे हो, वो कैरेक्टर क्यों करना चाहिए। तो मैम सर अभी आप लोगों को क्या लगा, कैसे लगा, क्या कमियाँ बात कर रहे हो तो आप नीचे देख रहे हो, वो चीज़ पे आपको थोड़ा बहुत करना है। और ऑनलाइन फोन हो जा रहा है, कितने दिन में आपने प्रिपेयर किया है? तो कितने इंस्पायर हुए कि एक्टिंग करना है? लड़की है और वो तो लड़का है, आइडल बन चुका है, वरुण धवन आपके आइडल बन चुका है, शूटिंग अच्छी है, अच्छे वही वैसे आप उसमें एक्टिंग का कोई जेंडर नहीं होता, बट ये जो सर्दी हो तो मतलब ऐसा फील होना चाहिए। अस्थि 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 अस्थि